टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुमरा में कल मेमन जमात के तरफ से एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया। ये डिस्पेंसरी मुमरा रेलवे स्टेशन के पास जीवन बाग में खोला गया है। उद्घाटन मेमन जमात के इकबाल मेमन ऑफिसर और सैयद अली अशरफ भाई साहब के हाथों किया गया। इस मौके पर आरिफ पतंगवाला सहित और भी मेमन जमात के कई लोग मौजूद रहे। इस डिस्पेंसरी खोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि गरीबों का मदद किया जाए। 15 रुपये में इस डिस्पेंसरी में दवा दी जाएगी, जैसे सर्दी बुखार और भी कई अन्य बीमारियों का इलाज इस डिस्पेंसरी में किया जाएगा। दरअसल मेमन जमात हमेशा से ही गरीबों के मदद के लिए आगे आई है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर मेमन जमात हमेशा हिस्सा लेता है। इस डिस्पेंसरी के उद्घाटन के बाद इकबाल मेमन ऑफिसर सैयद अली अशरफ भाई साहब, आरिफ पतंगवाला और डॉक्टर ने इस डिस्पेंसरी में इलाज और दवाओं के बारे में क्या जानकारी दी है, सुनिए। पहले तो जमात खाने का इफ्तिताह हुआ, कौसा मुमरा मेमन जमात, ये जमात है, जमात का इफ्तिताह हुआ, जमात के रूम का इफ्तिताह हुआ, जहाँ पर मीटिंगें होंगी, भलाई का काम होगा। उसके बाद डिस्पेंसरी का इनॉग्रेशन हुआ। डिस्पेंसरी के अंदर ये डॉक्टर एक हैं, वो 15 रुपये में सिर्फ यहाँ के लोगों को सिर्फ 15 रुपये में दवाई देंगे, जो आज की तारीख के अंदर बहुत मुश्किल है 15 रुपये की दवाई के अंदर। वो उनको इतनी बड़ी राहत होगी। आज बीमारियाँ इतनी फैल रही है कि गरीब परिवार का आदमी डॉक्टर के पास, आम डॉक्टर के पास जा कर के 100 रुपये का चार्ज वो लेते हैं, दूसरी बाहर से दवाई लिख के देते हैं, वो उसके बदले सिर्फ 15 रुपये के अंदर उनको दवाई मिलेगी, तो बहुत बड़ी राहत हो जाएगी उनको। तो ये एक बहुत बड़ा कौसा मुमरा मेमन जमात का कदम है। भाई साहब, क्या कहें, जिस तरह से कौसा मुमरा के जो मेमन जमात है उनके तरफ से जिस तरह से ये क्लिनिक खोली गई है और बताया जा रहा है कि 15 रुपये में यहाँ पर लोगों को दवाई दी जाएगी, क्या कहेंगे आप इस तरह के जो सराहनीय कदम है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपके प्रहार टाइम के माध्यम से बताना चाहता हूँ मुमरा शहर को कि सबसे पुरानी जमात कौसा मुमरा मेमन जमात है। और जब यहाँ पर कोई NGOs नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ कौसा मुमरा मेमन जमात ही इस शहर में काम करती थी। और ये शहर की पहली जमात है जो राशन बांटना, ईद के अंदर सेवई बांटना और 5 रुपये में डिस्पेंसरी, ये 15 रुपया हुआ ना, 5 रुपये में डिस्पेंसरी ये चालू थी और अभी ये 15 रुपये तक पहुंच गई है। तो मुमरा कौसा के लिए मेमन जमात ने जो काम किया है उसका एहसान मुमरा कौसा कभी नहीं भूल सकता। ये तो जो कदम उठाया है मेमन जमात की तरफ से, ये तो पहला कदम है। हमारे एजेंडा में और भी 3-4 काम है, जैसे इसके अंदर सेकंड काम हमारा जो रहेगा, सेकंड काम ये रहेगा हमारा कि हमारी लेडीज़ लोग को जो है, लेडीज़ लोग को कम से कम रेटों पे जो है सिलाई मशीन का जो है सिलाई का हुनर सिखाया जाएगा। और उसके बाद रमज़ान के बाद हमारे मुमरा कौसा में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है समूह लगन का हमारा प्रोग्राम चल रहा है जो मेमन जमात करेगी। और सबसे आज तक मुमरा में कोई कभी समूह लगन हुआ नहीं है, तो रमज़ान के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम महीना 11 शादी के जोड़े जो है वो समूह लगन में रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक क्लिनिक खोली गई, इसमें जो 15 रुपये की दवा देने की बात सामने आ रही है, तो किस तरह की दवाइयाँ रहेंगी, किस तरह के जो है मरीजों का यहाँ 15 रुपये में इलाज किया जाएगा? जैसे कि अबा भाई ने आपको बताया है कि ये जमात सन 1984 से काम कर रही है। यहाँ पे सबसे पहले डिस्पेंसरी चैरिटेबल चालू की थी जिसका 5 रुपये में इलाज होता था, अब उसका 15 रुपये किया गया और इसमें सब तरीके से इलाज होगा। यहाँ पे हर तरीके की मेडिसिन अवेलेबल है, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स से लेके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, पेन किलर्स, विटामिन की दवाइयाँ सब अवेलेबल होगी। डॉक्टर साहब, ये भी बात सामने आ रही है कि इस तरह से मेमन जमात है तो कुछ लोगों के दिल में संदेह रहता है कि सिर्फ मेमन जमात के ही लोगों के लिए, तो सभी के लिए है या सिर्फ मेमन जमात? मैं आपके इस प्रहार टाइम्स से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जमात सब लोगों के लिए, सब मुस्लिम्स के लिए, सब हिंदू के लिए है। ऐसा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कुछ नहीं है कि जो हमारे सिर्फ मेमन बिरादरी के लिए, ये सब लोगों के लिए है। हम सब मजहब के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी क्लियर कीजिए कि कौन से मरीज यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं? यहाँ पर कई तरह के बीमारियाँ होती हैं तो कौन से लोग यहाँ पे OPD बेसिस पे जितनी भी डिसीज है उसका सबका इलाज किया जाएगा।
जहाँ पे एडमिशन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको गाइडलाइंस किया जाएगा कि आपको किस तरह से कहाँ पर अच्छे से इलाज हो सकता है। यहाँ पर हमने पैथोलॉजी लैब की भी व्यवस्था करी है जहाँ पे मिनिमम रेट में आपके इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगे।